मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने पहले सोचा था कि यूट्यूब पर चैनल बनाऊँगी, लेकिन परफेक्ट टाइम आने में लेट हो गया, इसलिए मैंने पहले ही चैनल बना लिया। मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोलन से, और ये मेरा पहला व्लॉग वीडियो है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गीतांजलि शर्मा है और आपका स्वागत है मेरे फर्स्ट व्लॉग में। तो ये जो आप सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये हमारा जंगल वाला एरिया है और यहाँ से हम अपने पशुओं के लिए चारा यानी कि घास ले जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर सी सीनरी है यहाँ पे। तो ये हमारी घास नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ठीक है? तो इसका कनेक्शन नवरात्रि से है और दशहरे से है। तो चलिए शुरू से यानी नवरात्रि से कहानी शुरू करते हैं। तो पहले नवरात्रि वाले दिन हम लोग जौ लगाते हैं, जिसको हम माँ जयंती बोलते हैं, और हर रोज़ इनको पानी डालते हैं और इनकी पूजा करते हैं। हर सर्दी वाले नवरात्रि की सप्तमी को हमारे गांव में दुर्गा माँ के मंदिर में भजन कीर्तन होता है और भंडारा भी होता है। अब ये जो आप फूल देख रहे हैं, हम इसको द्राढ़ी बोलते हैं, और अष्टमी वाले दिन इस फूल से देवी बनाते हैं, ठीक है? ऐसे। और इनकी पूजा भी करते हैं। तो मैं जंगल ये द्राढ़ी लेने के लिए आई थी। 2 दिन तक हमारे घर में ही देवी रहते हैं और फाइनली दशमी वाले दिन यानी दशहरे वाले दिन हम इनमें से दो देवी को बावड़ी के पास यानी कि पानी वाली जगह में छोड़ के आते हैं, ठीक है? और एक देवी जो है वो अगली दिवाली यानी 2024 तक हमारे साथ ही हमारे घर में रहेंगे। हम अपने साथ कुछ मीठा या नमकीन बना के भी ले जाते हैं देवी को छोड़ने के लिए जब जाते हैं, और वहाँ पे मिलके सब लोग खाते हैं। हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि हमारे यहाँ पे पहले नवरात्रि से रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। क्या विचार करना, अपनी तबीयत को संभालो और आगे के बारे में विचार करो। गुरुजी, अफसोस है कि आपकी उपस्थिति में ऐसा अत्याचार होता गया, मगर ना मालूम गुरुजी आप किस गहरी नींद में सोते रहे। बेटा, जो तुम कह रहे हो वो सब सच है। तुम्हारी सारी चतुराई खाक में मिल गई और वही बात पूरी हुई जो रानी के गई की जुबानी से निकली। बेटा, अब इस रंजोगम को दूर करो और जो मैं कहती हूँ उसे मंजूर करो। तुम देखते हो इस समय अयोध्या का तख्त बिल्कुल खाली है। इसका ना तो कोई वारिस है ना इसका कोई वाली है। तमाम नगरी वीरान हो गई और प्रजा अलग से परेशान हो गई। अब रोना बंद करो और
राज्यों का प्रबंध करो। माता जी, यह आप क्या फरमा रही है और मुझको क्यों इस पाप के गड्ढे में डाल रही है? मैं तो किसी भी अवस्था में आपकी यह आज्ञा मंजूर नहीं कर सकता और कोई भी व्यक्ति मुझको इस काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप तो माता जी राज के लिए कहती हो, लेकिन मुझे तो अयोध्या में रहना भी मंजूर नहीं और यहाँ पे एक एक पल गुजारना सख्त दुश्वार है। ब्राता रामचंद्र जी हर तरह से इस राज्य के हकदार है, इसलिए उनकी उपस्थिति में राज करना मेरे लिए दुश्वार है। माता जी, मैं तो इसी समय जंगल में जाऊंगा और उनको मना कर वापिस लेके आऊंगा। अगर वह नहीं आए तो मैं 14 साल तक उन्हीं के साथ जंगल में बिताऊंगा। पूरे सच्चे दरबार की जय। तो आइए आप सभी के समक्ष एक छोटा सा भजन लेके आते हैं, पसंद आएगा तो आप सभी मेरे साथ जरूर गाइएगा। हो रंग यारा मेरी माँ, तेरे रंग विच रंग आ गया। हो रंग आ गया मेरी माँ, तेरे रंग विच रंग आ गया। हो रंग आ गया मेरी माँ, तेरे रंग विच रंग टूट सकती हैं। और मैं ले गया इसलिए भेज तुझे तू टूटने तो थोड़ो नाच मैं तुझे खोड़ा के बताने बोलो। देखिए घास कुछ तो मुझसे कटता नहीं है, इसलिए मेरी बात सुनिए। हो माने जा मेरा कोहना, हो दिल हम खेते जा मोहना। दियो मेरे कोई नी पूछता इस जमाने रा गोयना।
तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर।